नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्ट्रियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज हम एस्ट्रोलॉजी का एक और सूत्र जिसके अंदर ग्रहों के उच्च और नीच राशियों के विषय में चर्चा करेंगे कि ग्रहों की कौन सी राशियाँ उच्च होती हैं और कौन सी नीच होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह की अपनी राशि जो है, जिसका वह स्वामी होता है, सिंह राशि में सूर्य अपनी राशि में कहलाया जाता है, या सूर्य सिंह राशि के मालिक होते हैं। और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। इसके साथ साथ तुला राशि में सूर्य नीच राशि में माने जाते हैं। इनका सूर्य का शुभ प्रभाव उच्च राशि में और अशुभ प्रभाव नीच राशि में प्राप्त होता है। जो ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है वह अपना शुभ प्रभाव देता है, और जो ग्रह अपनी नीच राशि में होता है वह अपना नीच प्रभाव या दुखद प्रभाव जातक को देता है। चंद्रमा की जो अपनी राशि है वह कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा ग्रह जो है वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं, और यहाँ पर ये अपना शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। और वृश्चिक राशि में यह नीच के माने जाते हैं। नीच राशि में होने से ये अपना अशुभ प्रभाव जातक पर डालते हैं। इसके बाद मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मेष राशि का स्वामी मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च का माना जाता है। मकर राशि में यदि मंगल है आपकी जन्म कुंडली में तो वह आपको अपने शुभ प्रभाव प्रदान करेगा, और यदि कर्क राशि में मंगल होता है तो वह नीच राशि में जाना जाता है, जिसमें कि मंगल अपना अशुभ प्रभाव जातक पर डालता है। इसके आगे बुध ग्रह को मिथुन और कन्या दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मिथुन और कन्या राशि का दोनों राशियों का स्वामी बुध ग्रह बनता है। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच का हो जाता है। नीच होने पर बुध ग्रह अपने शुभ प्रभाव को खो देता है और अशुभ प्रभाव जातक को प्रदान करता है। इसके बाद गुरु ग्रह को धनु और मीन दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह माना जाता है, और गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। यह अपना शुभ प्रभाव कर्क राशि में अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं। और मकर राशि में यदि गुरु होते हैं तो वह नीच राशि में होते हैं, नीच राशि के माने जाते हैं। नीच राशि में होने की वजह से गुरु अपनी शुभता प्रदान नहीं करते, वह अपने निगेटिव रिजल्ट जातक को प्रदान करते हैं। इसके आगे शुक्र ग्रह को वृषभ और तुला दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह माना जाता है, और शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है, और यह सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्रदान करता है और सभी प्रकार की अच्छाइयाँ जीवक जातक के जीवन में प्रदान करने का कार्य करता है। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि में माना जाता है। कन्या राशि में यदि शुक्र ग्रह होता है तो वह सभी प्रकार के भौतिक सुखों से वंचित कर देता है और जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि ग्रह को मकर और कुंभ दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह बनते हैं। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि में शनि अपनी शुभता प्रदान करते हैं और जातक को बहुत अधिक धनवान करते हैं। उसके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण कर देते हैं, और उसे उसके जीवन में सभी प्रकार की अच्छाइयाँ उसे प्रदान करते हैं। उसके साथ ही शनि ग्रह मेष राशि में नीच राशि में माने जाते हैं। अगर मेष राशि में शनि ग्रह होते हैं तो वह जातक के जीवन में कष्टों को बढ़ा देते हैं और जातक को
उसके जीवन में अशुभता प्रदान करते हैं। राहु और केतु ग्रह, राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, परंतु फिर भी राहु ग्रह मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। यह अपने अच्छे प्रभाव देने के लिए मिथुन राशि से मित्रता करके रखता है। और धनु राशि में राहु ग्रह अपना तीज प्रभाव दिखाता है, वह वहां पर अपनी निजता को अधिक बढ़ा देता है। केतु ग्रह को भी राहु ग्रह की तरह किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। केतु ग्रह ने भी धनु राशि से मित्रता की हुई है। धनु राशि में केतु ग्रह उच्च का माना जाता है। यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक चीज़ों को, केतु ग्रह एक आध्यात्मिक ग्रह है, तो केतु ग्रह धनु राशि के माध्यम से अपने शुभ प्रभाव को देने का प्रयास करता है। इसके साथ ही अगर केतु ग्रह मिथुन राशि में होता है तो वह वहाँ पर टीच राशि में माना जाता है, और मिथुन राशि में केतु ग्रह अपनी शुभता प्रदान नहीं करता, जातक के जीवन में कष्टों को बढ़ा देता है, जिससे जीवन को कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये था आज ग्रहों के अपनी राशि के विषय में, उच्च राशि में नीच राशि के विषय में वर्णन। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।